हे एवरीवन, खमा गनीसा। मैं ममता राजपूत एंड मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो होने वाला है मेकअप प्रोडक्ट्स पे। जिन भी भाईसाओं को ये नहीं पता है कि उन्हें कौन से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, मेकअप में कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए और वो कैसे उनकी क्वालिटीज़ है। इवन मैं जो भी प्रोडक्ट्स आपको बताने वाली हूँ मेरे खुद के फेवरेट्स हैं और आप भी वो ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र बताने वाली हूँ। ये एक पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र है। अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में लेना चाहते हो मॉइस्चराइज़र तो आप पॉन्ड्स का ले सकते हो। अगर आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो लाइक 500 समथिंग तो आप डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी ऑलरेडी 2 बॉटल ख़त्म कर दी है और एक मैंने अभी ऑर्डर भी कर दिया है। ये इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र है ना, बहुत अच्छा है। मैं इसे काफ़ी 3-4 महीने से यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो अगर आप 500 की रेंज तक ले सकते हो तो। और अगर आप अफोर्डेबल लेना चाहते हो तो आप पॉन्ड्स का ले सकते हो। ये भी काफ़ी, ये इसका फॉर्मूला जेल बेस है, तो आप ये वाला ले सकते हो अगर आपको ऐसा मॉइस्चराइज़र चाहिए। ये भी बहुत अच्छा है। मैं इसे ही यूज़ करती थी, अब मैं डॉट एंड की का यूज़ करने लगी हूँ, तो आप ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको सनस्क्रीन बताऊँगी। लैक्मे की सनस्क्रीन है, बहुत अच्छी है। बट अब मैं एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन लगा रही हूँ, वो भी बेस्ट है, वो भी बहुत अच्छी है। काफ़ी टाइम से उसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मुझे भी उसको यूज़ करे 4-5 महीने हो गए हैं। बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे साइड में इसकी फ़ोटो दे दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है वो। अगर अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो आप ये ले सकते हो, और अगर आप उससे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट अगर आप कर सकते हो तो आप एक्वालॉजिका के भी ले सकते हो। फिर है प्राइमर। ये लैक्मे का प्राइमर है। इसमें एक जेल बेस आता है और एक ब्लर परफेक्ट करके आता है। तो आपको लाइक जिसकी ज़्यादा ऑयली स्किन है वो जेल बेस यूज़ कर सकता है। एक मतलब टिप्स दूंगी कि आप जेल बेस यूज़ करो अगर आपकी आपकी ऑयली स्किन हो तो। मैं ब्लर परफेक्ट यूज़ करती हूँ, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं ये करती हूँ। इसकी रेंज थोड़ी हाई है, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कर लो। मैं सब जो भी मैं प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ मैं सारे उसके लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ले सकते हो, जो आपको प्राइस का भी पता चल जाएगा। और अगर आप प्राइमर में अगर आप थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में प्राइमर चाहते हो तो मैं इनसाइट का आता है, स्विस ब्यूटी का आता है, आप ट्राई कर सकते हो। फिर बात करती हूँ मैं फाउंडेशन की। मैं आपको फिटमी का फाउंडेशन सजेस्ट करूँगी कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कवरेज देता है। इसकी एक ये बात है कि ये काफ़ी ये मैट लुक देता है आपको। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है ना तो आप अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र लगाओ फिर इसे अप्लाई करो, क्योंकि ये मैट फिनिश देता है। और इसी मेबलिन का ही एक सुपर स्टे करके है, सुपर स्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन है। ये भी काफ़ी अच्छा है। ये भी बहुत मैट फिनिश देता है आपको लुक। और ये जैसे ही बोल रहा 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन, सच्ची में ये कवरेज इतनी अच्छी देता है ना। बट मैं ज़्यादातर इसे ही यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहते हो तो ये ले सकते हो, बट अगर आप फुल कवरेज अच्छी खासी चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग चलेगा तो ये बहुत, तो मैं ये आप दोनों को बता रही हूँ। उसके बाद बात करते हैं कंसीलर की। तो कंसीलर में मैं ये मेबलिन का कंसीलर यूज़ करती हूँ। मुझे ये बहुत सही लगता है, ये कंसीलर बहुत अच्छा है। एक अपने डार्क सर्कल्स को जो भी मार्क्स है उसे कवर कर लेता है, तो मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप, ये थोड़ा सा हाई रेंज है इसका, बट आप अफोर्डेबल प्राइस में लेना चाहते हो तो स्विस ब्यूटी का भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट लूज पाउडर, एक है फिटमी का लूज पाउडर, बहुत अच्छा है ये भी। और ये इसका रेंज भी अच्छा है, और अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो तो क्यूर ब्यूटी का मैं आपको सजेस्ट करूँगी।
बहुत फाइन पाउडर है, बहुत अच्छा है के ब्यूटी का भी। और मैं आपको जो भी ये प्रोडक्ट्स बता रही हूँ सच्ची में ये मेरे खुद के फेवरेट्स प्रोडक्ट्स हैं, आप ले सकते हो। अगर मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्लश, ये नायका का ब्लश है, काफ़ी अच्छा है। इसके इसमें दो कलर्स हैं, एक थोड़ा सा इसमें दो शेड्स हैं, एक मलिबू बारबी शेड है और एक कोरल पीच करके है। तो आपको इसमें दो शेड मिल जाएंगे। एक्चुअली मैं ये आपको ओपन करके नहीं दिखा सकती क्योंकि इसकी हालत बहुत बेकार हो चुकी है, इसको घिरा दिया है तो ये टूट गया है, सो मैं नहीं दिखा सकती। बट मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगी तो आप उधर जाके देख सकते हो इसके शेड। और हम देख सकते हैं कि ब्लश में लिक्विड ब्लश भी आते हैं जिसे टिंट बोलते हैं, चिक टिंट, लिप टिंट बोलते हैं, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। ये अर्थ रिदम का है, ये लिक्विड फार्मूला होते ही ऐसे कि ये ज़्यादा टाइम तक हमारे लॉन्ग लास्टिंग रहता है अपने फेस पे, तो मैं ज़्यादातर इसे यूज़ करती हूँ। तो अगर जिन्हें टिंट चाहिए तो आप ज़रूर ये अर्थ रिदम का यूज़ कर सकते हो। अगर मैं आपको एक ऑप्शन में दूँ तो आप शुगर का पैलेट ले सकते हो, ये काफ़ी सही रहेगा आपके लिए क्योंकि इसमें आपको 3-in-1 चीज़ मिल जाएगी, ब्लश, हाइलाइटर, ब्रॉन्जर। ये कुछ समथिंग 800 में आपको मिलेगा। अगर ऑफर चल रहा होगा तो आपको इसके साथ कुछ प्रोडक्ट्स भी फ्री मिल सकते हैं। तो इसमें कुछ दो शेड के पैलेट आते हैं। ये जैसे थोड़ा पिंकिश है तो वो थोड़ा कोरल टाइप में जाएगा, शेड में जाएगा। तो मैंने इसको पिंकिश शेड टाइप में लिया है क्योंकि अगर बाईसा आपकी स्किन थोड़ी फेयर है, आप फेयर में आते हो, तो आप ज़रूर पिंकिश शेड टाइप ट्राई करो। इसे हाइलाइटर ब्रॉन्जर चाहिए एक साथ तो ये आप ज़रूर ये पैलेट ले। अगर आप हाइलाइटर अलग से लेना चाहते हो तो ये हाइलाइटर मैं हाईली रेकमेंड करूँगी, बेस्ट है ये। लिक्विड हाइलाइटर है स्विस ब्यूटी का, बहुत अच्छा है। मैं इसको ज़्यादातर मैं यही यूज़ करती हूँ तो आप ये ज़रूर लें। नेक्स्ट बात करेंगे हम आईलाइनर की। तो आईलाइनर के लिए मेरे पास एक लिक्विड लाइनर है जो लैक्मे की सबके पास होगी ही, आई थिंक सो। तो लैक्मे की लाइनर ये आपको 100-150 की रेंज में कुछ मिल जाएगी आपको। और जैसे पता ही है काफ़ी सही है लाइनर और हम सब यूज़ करते ही है। लाइनर चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेबलिन की कॉलोसल लाइनर लो, बहुत सही है इसका पॉइंट, आप इसका पॉइंट देख सकते हो। ये मेरी फेवरेट है, आप यूज़ कर सकते हो ये वाली, ज़रूर यूज़ करना ये वाली। बाद में आपको काजल बताऊंगी। एसेस कनाडा की काजल है, काफ़ी सही काजल है ये। इसका ये लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत है, इतना ये स्मज प्रूफ है, इतनी स्मज भी नहीं होती, ये मुझे बहुत पसंद है। और एक और अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आप के ब्यूटी का ले सकते हो, वरना लैक्मे भी बहुत सही है, वो भी आप ले सकते हो। अब मैं बात करूँगी कि आईब्रोज को फिल करने के लिए, ये ब्लू हेवन की आईब्रोज पेंसिल है, ये ऐसे दिखती है, काफ़ी सही है। तो इसमें स्पूली भी मिल जाएगा आपको और ये बहुत सही है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आपके पास ये होनी चाहिए। और ये आपको काफ़ी 100-150 के अंडर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी आई शेडो। अगर आपको मेरी तरह आई शेडो कलर्स के साथ खेलना बहुत पसंद है कि आपने जो ड्रेसअप किया है उस टाइप का आई शेडो लगाए, या मतलब आपको है शौक है आई शेडो का बहुत, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ब्यूटी ग्लेस्ट का ये वाला ज़रूर ले। इसमें आपको इतने सारे शेड मिल जाएंगे, देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ, आपको इतने सारे इसमें शेड्स मिल जाएंगे। आपको जैसे आपका पोशाक जैसे भी कलर का है आप वैसे कलर का आई शेडो यूज़ करके कर सकते हो। मेरा खुद का फेवरेट, अगर चाहते हो आई शेडो में इन्वेस्ट करना तो आप ज़रूर लें। ये आपको अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको ऑप्शन में एक आई शेडो पैलेट दिखाऊंगी रेवोल्यूशन का। जिस भी पैसा की शादी होने वाली है तो
अगर उन्हें एक आई शेडो की ज़रूरत है तो ये वाला पैलेट वो ज़रूर ट्राई करें। इसमें इतने प्यारे प्यारे कलर्स है, ज़्यादा देख सकते हो आप। इसमें न्यूट्स कलर है, पिंक कलर है, अरे ग्लिटर है, ग्लिटर आई शेडो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको, क्योंकि ज़्यादातर आप ऐसे टाइप के शेड्स लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ब्राइट टू भी होने वाले हो, आपके पास ऐसे शेड होने चाहिए ही, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँ तो आप ये ले सकते हो, अगर आपको ज़्यादा आई शेडो का नहीं है नीड तो आप ये पैलेट भी ले लोगे तो बहुत है आपके लिए। मैंने खुद ने मेरे शादी के टाइम लिया था, क्योंकि ज़्यादातर हमारे में पोशाक में ऐसे कलर्स बहुत अच्छे दिखते हैं, ये शिमर शेड, ये ब्राउन शेड टाइप के, ये शेड ज़्यादा अच्छे दिखते हैं हमारे पोशाक पे। अब बात करते हैं लिपस्टिक की। मैं आपको कुछ दो शेड दिखाऊंगी जो आपके पास होने ही चाहिए। पहला है ये मेबलिन का, अब ये भी देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना यूज़ किया, ये ऑलरेडी मेरी सेकेंड बॉटल है। तो इसका शेड का नाम है लशेड रेड, इतना जल्दी मैट हो जाता है, ये आपको आपके लिप्स को ड्राई फील बिल्कुल भी नहीं करेगा। ज़्यादातर लिपस्टिक ऐसे फॉर्मूलाज की होती है कि वो मैट होके हमारे लिप्स को इतने ड्राई कर देते हैं, तो ये वैसा फॉर्मूला इसका है ही नहीं, काफ़ी अच्छा है। मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ, मैंने मेरे इसे फ्रेंड्स को भी बहुत सजेस्ट किया है, जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं जिसे जो मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन से लिपस्टिक यूज़ करूँ, तो मैं ज़्यादातर मेबलिन की ही हमेशा सजेस्ट करती हूँ। अगर आप में से जिस भी पैसा को लिक्विड लिपस्टिक चाहिए तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करें, ये आपको इतनी पसंद आएगी। इसका जब ये लगाने के बाद हमें ना इतना वेलवेटी लुक लगता है कि लाइक बिल्कुल ड्राई नहीं होता। बट मैं ज़रूर बोलूँगी अगर आप लिक्विड लिपस्टिक लगाते हो मैट, तो पहले आप लिप बाम ज़रूर यूज़ करें ताकि आपके लिप्स को ज़्यादा वो ड्राई नहीं करेंगे। सेकेंड शेड है, सेकेंड शेड मैं ये बताऊँगी, ये है मेड इजी, ब्राउन शेड है ये, न्यूड में आता है ये भी बहुत प्यारा शेड है। आप ये दोनों शेड यूज़ कर सकते हैं अगर आप ब्राइट टू भी हैं, जो भी बाइसा है जिन्हें ट्राई करना है, आप ज़रूर ये दो शेड ट्राई करें, ये मेरे खुद के फेवरेट है और मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि लो तो ये लो। अगर आप क्रीमी में चाहते हो, लिक्विड में नहीं चाहते, तो आप नायका का ये बुलेट लिपस्टिक ट्राई कर सकते हैं, ये थोड़ा न्यूड शेड है, आप देख सकते हो बहुत प्यारा शेड है ये, आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये ऐसा शेड है, बहुत प्यारा शेड है, आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी फेयर टोन है, मीडियम टू फेयर टोन, तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आप रेड में क्रीमी शेड चाहते हो तो आप मेबलिन की लिपस्टिक ट्राई कर सकते हो, इसको भी मैं ट्राई करके दिखा सकती हूँ, ये ऐसा शेड आपको मिल जाएगा। अगर आप लिक्विड लिपस्टिक में ट्राई करना चाहते हो तो ये दो शेड ज़रूर ट्राई करना, और अगर आप क्रीमी फॉर्मूलाज में चाहते हो तो ये आपको एक सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे पाउचेस आपको मिलते हैं नायका पे, इसका पर पैकेट का 100 रुपीज़ प्राइस है, तो आप ले सकते हो ये, जैसे कि आपको शेड का पता चल जाएगा कि ये शेड आपके ऊपर ज़्यादा जा रहा है, तो आप ऐसे लिपस्टिक ले सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट प्रोडक्ट की, जो कि है फिक्सर। ये फिक्सर स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, एंड इससे अपना मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, तो आप इसे खरीद सकते हैं और इसका रेंज भी काफ़ी आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। अगर आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो फिक्सर में, तो मैं आपको ये फेसेस कैनेडा का सजेस्ट करूंगी कि आप ये ज़रूर ले, ये आपको काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग आपका मेकअप को स्टे रखता है, तो आप ज़रूर ये ट्राई करें। तो ये थे मेरी खुद के फेवरेट्स मेकअप प्रोडक्ट, और आपको भी समझ आ गया होगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स लेने हैं नहीं लेने हैं। तो ये जो भी मैंने सारे प्रोडक्ट्स बताए हैं, मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स दे दूँगी। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब के ही बाजू में बेल आइकन का बटन है, जिसे आप प्रेस कर दोगे उससे आपको मेरे जो भी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं मिलते रहेंगे। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।